बस्ती जनपद की न्याय पंचायत हनुमानगंज में छठ पूजा का व्रत आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी रुधौली व आम जन प्रतिनिधियों के सहयोग से बीडीओ रुधौली के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया, छठ पूजा का आयोजन किया गया। त्योहारों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें आज देखने को मिल रहा है कि छठ पूजा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगंज में किया गया, जिसके शुभारंभ में क्षेत्र के वीडियो कौशल जी उपस्थित रहे, जो विशेष पूजन अर्चन के बाद फीता काट करके यहां का उद्घाटन किए और यहां की माताएं बहनें छठ पूजा पर विशेष तौर पर जो है पूजन अर्चन किया। यहाँ के जो पूर्व प्रधान नीरज जायसवाल रितू जी के सौजन्य से इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया गया। इससे पहले की स्थिति यहाँ ये थी कि पिछले वर्ष जब छठ पूजा का आयोजन किया गया तो इतना बृहद नहीं था, लोगों को तमाम तरह की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसपे इनके मन में एक विचार आया आस्था के प्रति, और इन्होंने अब की बार विशेष तौर पे छठ पूजा का आयोजन हनुमानगंज में किया। आइए मैं विशेष रूप से उन्हीं से बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस पर्व को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आइए हम लोग सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर गिरीश चंद्र सिंह। आज हनुमानगंज में छठ पूजा को लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित हैं, माता का हमें काफ़ी उत्साहित हैं, इस पर्व पे विशेष रूप से आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, वीडियो साहब आए और इस तरह का आयोजन पहली बार नीरज जायसवाल जी प्रधान हनुमानगंज ने किया, बहुत अच्छा लगा और धर्म के प्रति जागरूकता फैली, तमाम महिलाएँ जो जुटी, तमाम भव्यता देखने को मिला, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं। आज जो हो रहा है इसे लग रहा है कि धर्म के प्रति भी और सूर्य देव के प्रति जो अर्घ दिया जाता है, इससे समाज को हनुमानगंज क्षेत्र को सबको एक नई दिशा मिलती है। अब मैं यहाँ के आयोजक नीरज जायसवाल जी हैं, मौके पे मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। नीरज जायसवाल जी, इससे पहले छठ का पर्व यहाँ मनाया गया, पिछले साल और अब में क्या अंतर आपको दिख रहा है? पिछले साल यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा था तो मैं कहीं बाहर था, अयोध्या किसी काम से गए थे, तो रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ के लोगों ने ग्रुप पर